ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, इस वाले अगर क्वेश्चन तुम देखोगे बेसिकली, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक मासलेस स्क्वायर लूप है, ये वाला जो है मासलेस स्क्वायर लूप है, जिसकी रेजिस्टेंस, इस स्क्वायर लूप की रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, या सपोर्टिंग ए मास ऑफ 1 ग्राम। तो ये जो है वो 1 ग्राम का मास सपोर्ट कर रहा, तो ये इसका मास mg नीचे लगेगा, तो 1 ग्राम 1 × 10 की पावर -3, और जी की वैल्यू 10, मतलब 10 की पावर -2 न्यूटन का वेट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इतना तो चलो, अब इस जो फोर्स है जो ये वर्टिकली डाउनवार्ड जो लग रहा है वेट, इसको बैलेंस कौन करेगा? नहीं तो ये नीचे नहीं फॉल कर जाएगा। हैंग वर्टिकली विथ वन साइड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर 3 डायरेक्टेड आउटवार्ड इन द शेडेड रीजन, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, जो शेडेड रीजन है, ये वाली जो रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आउटवार्ड है, ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी कहीं है, नहीं है, शेडेड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो अगर शेडेड रीजन, तो ये जो करंट आई इधर से जा रही है, ऐसे करंट आई फ्लो होगी। तो अगर राइट हैंड कर्ल रूल से इस वाले ब्रांच पे देखोगे, तो इस वाले पे जितना फोर्स लगेगा, दूसरे पेन से मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो, ये वाला, इस पे जितना फोर्स लगेगा F1, मान लो उस पे, इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा F2, और वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और एक दूसरे के जो हॉरिजेंटल फोर्स है वो कैंसिल कर देंगे, तो F1 बराबर होगा -(F2), और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। तो जब ये वाला दोनों फोर्स खत्म हो गए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला जो स्क्वायर लूप का जो साइड है, इस पे फोर्स किधर आ रहा है? तो इस पे लगा दो फोर्स इक्वल टू bsin θ, तो bsin θ, तो iL×b लगा दो, तो L×b अपन अप्लाई कर दोगे, तो L×b, तो इस पे फोर्स ऊपर आ रहा है, और इसका नाम मैं रखता हूँ F3, इस वाले साइड पे, ये जो साइड है ये, तो इस पे जो फोर्स है F3, अब ये जो फोर्स F3 है, वही वर्टिकल में जो फोर्स थे, हॉरिजेंटल में तो कैंसिल हुआ, वही वेट mg को बैलेंस करेगा, मतलब 10 की पावर -2 न्यूटन को। अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? तो इस फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स इज इक्वल टू bsin90 होगी, तो यहाँ से bsin90 तुम देखोगे, तो 10 की पावर -2, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से दिया हुआ, करंट आई जो देखोगे, तो वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस एक वायर का, और लेंथ ये यहाँ से 10 की पावर -2। तो यहाँ से तुम देखोगे हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस बी, एग्जैक्टली वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू अभी एग्जैक्टली, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2, और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना भाई, तो रेजिस्टेंस है 10 ओम यहाँ से, और डिवाइड कर दूँ लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से, हाँ, सपोर्टिंग वायर bsin θ 1 मास बनाएंगे, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मासलेस रेजिस्टेंस 10 है। हाँ, यहाँ से तुम देखोगे तो जो L की वैल्यू है, ये मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ इज ना सपोर्टिंग मास में हैंगिंग वर्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डायरेक्टेड आउटवर्ड, बी द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, यहाँ नीचे दिया हुआ है, कुप्चे में दिया हुआ भाई, यहाँ वही तो मैं खोज रहा था, ये जो लेंथ है स्क्वायर साइड लेंथ, लेंथ की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे आर की वैल्यू रख दिए, तो अब लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 की पावर -2 मीटर, और यहाँ से भी निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 है, तो ये भाई 1 टेस्ला इज इक्वल टू गॉस, 1, तुम देखोगे कि यहाँ से 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी पूरा मैं काट लूँगा, 10 की पावर -2 ये कट गया, ये कट गया, और ये ऊपर चला गया, और 10 की पावर 4 हुआ, और ये 10 की पावर 3 हुआ, तो 10 बचा, 10 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ये अपना डी ऑप्शन इसका
सही बन जाता है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।